वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होने जा रही SRK स्टारर और राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म यानी कि डंकी फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो फिल्म को रिलीज में अब जो है सिर्फ 2 दिन बाकी है और देखा जाए तो कल से ही जो है फिल्म अपना गेयर शिफ्ट करेगी, यहाँ पर एक रफ्तार लेगी एडवांस बुकिंग में। तो कल सुबह पता चलेगा कि यहाँ से फिल्म जो है कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। बट अगर आज की हम बात करें तो अब तक की भी जो एडवांस बुकिंग है इंडिया और ओवरसीज में वो काफी तगड़ी नजर आ रही है। बात करें यहां पर शोज की तो अभी भी जो है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, पर जितने भी शोज मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि अब तक जो है फिल्म की 60-70% एडवांस बुकिंग जो है या फिर कहें शोज जो है वो खोल दिए गए हैं। और ट्रैकिंग की अगर बात करें तो यहां पर तकरीबन 11,800 शोज को जो है ट्रैक किया जा रहा है, यानी कि मिनिमम यहां पर 12,000 के आसपास के शोज जो है फिल्म के अब तक लग चुके हैं। और इन शोज के साथ फिल्म की एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया मात्र में ही जो है फिल्म ने आज शाम 8 बजे तक जो है 9.20 करोड़ की जो है एडवांस बुकिंग पार कर ली है। फिल्म जो है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में अच्छा परफॉर्म तो कर ही रही है, बट कुछ साउथ के स्टेट्स की अगर बात करें तो हैदराबाद और बेंगलुरु में भी जो है फिल्म की परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड चल रही है। दिल्ली NCR में फिल्म के पास अब तक है 12,600 शोज, जहां पर 11% की ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने जो है 1.42 क्रोस का जो है कलेक्शन किया है। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो हमेशा की ही तरह मुंबई जो है शुरुआत में थोड़ा सा स्लो नजर आता है अपने पोटेंशियल के हिसाब से। कहा जाता है कि ये ऐसा शहर है जो वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलता है, तो जब फिल्म अच्छी निकलेगी ऑब्वियसली अच्छी निकलेगी, पर जब फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकलेगा उसके बाद जो है ये रफ्तार पकड़ना स्टार्ट करती है। बट फिर भी यहां पर अगर देखा जाए तो 980 शोज अब तक जो है लग चुके हैं, जहां पर 11% की ऑक्यूपेंसी के साथ 1.05 करोड़ का जो है कलेक्शन यहां से निकल चुका है। कोलकाता जो कि कहा जाए कि SRK का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है और उसी का एक नतीजा है कि सिर्फ 363 शोज के साथ 29% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म कोलकाता में जो है 85 लाख का जो है कलेक्शन पार कर चुकी है। वहीं बात करें साउथ के कुछ टॉप शहरों की तो यहां पर हैदराबाद सिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर मुंबई के मुकाबले करीब 400 शोज कम है, यानी कि तकरीबन 532 शोज जो है फिल्म के लगे हैं। बट उसी पर अगर आप देखोगे तो 25% की ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने जो है 1.04 करोड़ का जो है कलेक्शन कर लिया है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 621 शोज के साथ 18% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने जो है अराउंड 95 लाख का जो है कलेक्शंस वहां से निकाला है। तो रिलीज को 2 दिन बाकी है और उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी सॉलिड नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें ओवरसीज की तो वैसे तो एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं आया है, एग्जैक्ट डेटा आते आते कल सुबह के 10 या फिर 9 बज जाएंगे। बट अभी तक जो अर्ली एस्टिमेट से आ रहे हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से कहा जा रहा है कि ओवरसीज से भी फिल्म ने जो है अराउंड 7.5 करोड़ के आसपास का जो है कलेक्शन कर लिया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल सुबह होते होते या फिर एग्जैक्ट डेटा आते आते ये आंकड़ा $1 मिलियन को जो है टच कर चुका होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने अब तक जो है 16.7 करोड़ के आसपास की जो है एडवांस बुकिंग कर ली है। कल से देखा जाए तो असली खेल शुरू होगा, जहां से कल से ये फिल्म जो है रफ्तार पकड़ना स्टार्ट करेगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल का दिन खत्म होते होते ये एडवांस बुकिंग जो है वो कहां तक पहुंच पाती है और वहीं से जो है कहीं ना कहीं हमें एक क्लियर पिक्चर जो है नजर आने लगेगी कि फिल्म की जो फाइनल एडवांस बुकिंग है वो कहां तक पहुंच सकती है और ये फिल्म जो है कितनी बड़ी ओपनिंग जो है अपने पहले दिन ले सकती है। बाकी मैं जानता हूं आप में से काफी लोग सलार के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट चाहते होंगे, बट अभी जो है तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जो है एक्चुअल में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है एडवांस बुकिंग खुलने वाली है, कुछ हद तक डेफिनेटली खुलेगी, उसके बाद जो है बात करने में असली मजा आएगा। तो इसलिए जो है अभी हम जो है रुके हैं, जैसे ही वहां से कुछ रिपोर्ट्स आना स्टार्ट होती हैं और उसके बाद हम आपके सामने जो फिगर्स हैं वो रखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने शुरुआत में प्लान किया था कि मैं सलार और डंकी दोनों के ही बारे में एक ही वीडियो में बात करते चलूंगा जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती है, पर परसों जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि काफी लोग की शिकायतें थी कि भाई इस फिल्म के बारे में ज्यादा बात हो गई, इस फिल्म के बारे में कम बात हो गई। भाई जिस फिल्म के बारे में बात करने को ज्यादा होगा, जहां पर चीजें मेरे पास डेटा ज्यादा होगा, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे पास बात करने का ज्यादा समय रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं कम समय में खत्म करने की कोशिश करूंगा। किसी के बारे में ज्यादा बात करके वीडियो को खींचने में मुझे पर्सनली कोई मजा नहीं आता है। फिर भी आपका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पर वो आप सोशल मीडिया तक ही रखिए, इस चैनल में मत लाइए। मेरी भी वही कोशिश रहेगी कि मेरे द्वारा वो चीज जो है एटलीस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में ना फैले, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि दोनों ही फिल्मों के जो है सेपरेट वीडियो
वीडियोस आएंगे, पर मेरे लिए मुश्किल है बैक टू बैक वीडियोस बनाना। तो हो सकता है कि कोई वीडियो रात को आ जाए, कोई वीडियो सुबह आए, किसी दिन वीडियो आए ही ना, तो वो चीज हो सकता है। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। आज इसका वीडियो आ गया तो उसके लिए गाली पड़े, आज उसका वीडियो आ गया तो इनकी गाली पड़े, प्लीज वो काम मत करिएगा। वैसे भी मैं आजकल कमेंट सेक्शन ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, बट पिछली वीडियो के मैंने थोड़े से पढ़ लिए थे तो मुझे पता चला कि कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है। तो प्लीज, वैसे यहां से आपको क्या लग रहा है कि डंकी फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है, फाइनल एडवांस बुकिंग है, वो कहां पर जाके रुक सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।